हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इंटरनल वर्किंग ऑफ सर्वलेट। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा समझेंगे कि कैसे सर्वलेट वर्क करता है, जब हम लोग क्लाइंट जब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर पे क्या क्या सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होती है। ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे एनिमेशन और स्लाइड की हेल्प से समझेंगे, जिससे कि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि सर्वलेट कैसे वर्क करता है और हम लोग सर्वलेट को क्रिएट करते हैं तो जब रिक्वेस्ट आती है उसके बाद होता क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमारा काम होता है बैकएंड में। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वलेट को क्रिएट कर लेते हैं। तो सर्वलेट को क्रिएट कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक सर्वलेट इंटरफेस होता है, ये तो सबको पता है। अगर अभी तक ये नहीं पता कि सर्वलेट को क्रिएट कैसे करते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस जाके देखिए, वहाँ पे हमने बताया हुआ कि सर्वलेट को क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ पे सर्वलेट इंटरफेस होता है और आप इस इंटरफेस को डायरेक्ट अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो यूज़र सर्वलेट है ये हम लोग की क्लास है, ये हम लोग ने बनाई होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने क्लास में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक जनरल सर्वलेट होता है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जनरल सर्वलेट क्या करता है, इस सर्वलेट के सारे मेथड्स को ओवरराइड कर देता है एक्सेप्ट सर्विस मेथड। तो सर्विस मेथड को प्रोटोकॉल स्पेसिफिक बनाने के लिए एसटीटी सर्वलेट उस सर्विस मेथड को ओवरराइड करता है और सर्वलेट यहाँ पे सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन डू गेट टू पोस्ट ऐसे एसटीटीपी प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मेथड से दी जाती है। तो हम लोग को जब सर्वलेट बनाना होता है तो करना क्या होता है, एक अपनी क्लास बना लेती है सर्वलेट, कोई भी क्लास बना लेते हैं। उसके बाद हमको सीधे सिंपली इस क्लास को इंप्लीमेंट करना होता है तो हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद यहां पे हम लोग डू गेट या डू पोस्ट की इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं। तो लेट अस सपोज हमने डू गेट की इंप्लीमेंटेशन यहां पे दे दी, अब क्या होगा, आपका सर्वलेट रेडी है। यहां पे सर्वलेट हम लोग ने बनाया था, अब सर्वलेट रेडी है। अब हम इसकी मैपिंग कर देते हैं बैकबर्ड एग्जाम्पल में, जो आपने यहाँ पे सर्वलेट बनाया और डू गेट या डू पोस्ट मेथड ओवरराइड किया है, हम लोग सर्वलेट मैपिंग कर देते हैं उसके पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्वर पे क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं इस सर्वर पे, इस सर्वलेट को, दैट मीन्स हम पूरे वेब एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे यहाँ पे, जिसमें हमारी मैपिंग वाली फाइल भी होगी, जिसको हम लोग डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कहते हैं, web.xml फाइल, उसमें हम मैपिंग कर देते हैं। मैपिंग मतलब कि हम लोग ये बता देते हैं कि हमें ये सर्वलेट कब चलाना है, ये डू गेट मेथड। तो आगे क्या होता है, जब हमारा कोई भी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, लेट अस सपोज यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट सबमिटेड टू एनी सर्वलेट। जैसे ही सर्वर पे सर्वलेट को रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा सर्वर क्या करता है, सबसे पहले उस सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिस सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आ रही होगी। तो सपोज आपके इस यूजर सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी तो सर्वर हमारा इस सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा यहाँ पे। तो ये जो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट दिख रहा है ऑरेंज कलर का, वो हमारे इस सर्वलेट का ऑब्जेक्ट है, इस सर्वलेट का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिएट हुआ है। जैसा हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज अ इंस्टेंस ऑफ दिस यूजर सर्वलेट, इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे सर्वर क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जस्ट वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और सर्वलेट कॉन्फिग के अंदर वो सारे सर्वलेट स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को रख देगा। सर्वलेट स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि सर्वलेट कॉन्फिग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, वो आपके ऑब्जेक्ट पे इनिट मेथड कॉल कर लेगा, इनिट मेथड जो सर्वलेट का लाइफ साइकिल था, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय। तो इनिट मेथड कॉल कर लेगा और इनिट के पैरामीटर में यहां पे आपका यही क्रिएटेड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पास कर देगा, क्योंकि सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो हम लोग ने सीखा था, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने सीखा था कि सर्वलेट इंटरफेस के पास इनिट मेथड है जो कि कॉन्फिग का, सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट लेता है। तो सर्वलेट कॉन्फिग मीन्स यही ऑब्जेक्ट थोड़ी देर पहले अभी सर्वर ने बनाया है, और ये कॉन्फिग ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्वर यहां से पास ऑन कर देगा इनिट मेथड में। बट प्रॉब्लम ये है कि सर्वलेट ऑब्जेक्ट के पास तो इनिट मेथड है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ जो मेथड लिखा है वो डू गेट मेथड है, इनिट मेथड तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है। इस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ मेथड वही होगा जो आपने इस क्लास में लिखा होगा। ये हम लोगों ने सबने सीखा है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मेथड्स
जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे डू गेट या डू पोस्ट की जो भी आपने बॉडी दी होगी वो मेथड एसोसिएटेड होगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो बट यहाँ पे सिर्फ डू गेट है, डू पोस्ट है, इनिट मेथड है ही नहीं। तो ये सर्वर ने तो इनिट मेथड कॉल कर दिया और पैरामीटर भी पास कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इस क्लास जिस क्लास का ऑब्जेक्ट था उस क्लास के पेरेंट का इनिट मेथड कॉल करेगा, और इनिट मेथड तो यहां पे भी नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ सर्विस को ओवरराइड किया है। तो वो इसके पेरेंट का इनिट मेथड कॉल करेगा, दैट मीन्स जेनरिक सर्विस का इनिट मेथड यहां से इन्वोक हो जाएगा अपने आप। तो इनिशियलाइजेशन वाली सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट जब इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, अब बात आई सर्विस मेथड की, तो हमारा सर्वर क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट पे सर्विस मेथड कॉल कर देगा। देखिए यहां पे सर्विस मेथड कॉल कर देगा इस ऑब्जेक्ट पे, और सर्विस को दो और पैरामीटर्स दे देगा, दो और पैरामीटर्स दे देगा यहां पे। एक होता है सर्विड रिक्वेस्ट और एक होता है सर्विड रिस्पॉन्स सर्विस के और सर्विस मेथड के पैरामीटर में। सर्वलेट रिक्वेस्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट से डेटा आ रहा है यहां से उस डेटा को हम लोग फेच कर पाएंगे, और सर्वलेट रिस्पॉन्स की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास यहां पे रिक्वेस्ट मिल जाएगा और यहां पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, रिक्वेस्ट भी प्रोसेस कर पाएंगे, डेटा भी फेच कर पाएंगे और डायनेमिक रिस्पॉन्स भी जनरेट कर पाएंगे। तो सर्वर ने तो अपना काम कर दिया, सर्वर ने सर्विस मेथड कॉल कर दिया, बट सर्विस मेथड आपके ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ है। बट प्रॉब्लम यह है कि सर्वलेट ऑब्जेक्ट के पास सर्विस मेथड तो है ही नहीं। सर्विस मेथड किसके पास था, सर्विस मेथड इसके पास सिर्फ और सिर्फ डू गेट या डू पोस्ट मेथड है जो आपने ओवरराइड किया आपके क्लास के पास। तो ये क्या करेगा, सर्विस मेथड इसके पेरेंट का कॉल करेगा, दैट मींस एचटीटीपी सर्वलेट का सर्विस मेथड कॉल करेगा। बट सर्विस मेथड के अंदर से इस एचटीटीपी सर्वलेट में, इस एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर जो कि सर्विस मेथड लिखा गया है वो कॉल होगा, और वो अपने अंदर से क्या करेगा, अपने अंदर से डू गेट और डू पोस्ट की इंप्लीमेंटेशन कॉल कर लेगा। तो होगा क्या, फाइनली यहां से आपके ऑब्जेक्ट में जो डू गेट और डू पोस्ट यहां पे आपने ओवरराइड किया होगा वो अपने आप कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे आपने सपोज डू गेट ओवरराइड किया, तो यहां पे डू गेट चल जाएगा इस ऑब्जेक्ट के पास। अगर आपने डू गेट लिखा था तो डू गेट चल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है बट इम्प्लीमेंटेशन वही चलेगी जो आपने क्लास में दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा, जो लिखा होगा वही चल जाएगा। तो ये सारा काम होगा जब हम एक सर्वलेट को चलाते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जस्ट सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट बनता है। सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट बन गया तो इनिट कॉल करता है, और इनिट कॉल करता है तो इनिट के ब्रैकेट में क्या पास कर देता है, वो सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट पास कर देता है। अब सर्वलेट कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट उसने पास कर दिया, तो इनिट फंक्शन इसके पास तो है ही नहीं, तो फिर ये क्या करता है, जेनरिक का, जेनरिक सर्वलेट का इनिट फंक्शन कॉल करता है। इनिट फंक्शन कॉल हो जाता है, इनिशियलाइजेशन हो जाता है, नेक्स्ट सर्विस मेथड कॉल होता है। तो सर्विस मेथड आपके ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, जो आपके यूजर डिफाइंड सर्वलेट का ऑब्जेक्ट था, तो वो एचटीटीपी सर्वलेट का इनिट फंक्शन कॉल करता है, सॉरी सर्विस मेथड कॉल करता है, और इनिट एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर से सर्विस मेथड कॉल होता है। सर्विस मेथड के अंदर से क्या होता है, टू गेट आपकी इंप्लीमेंटेशन यहां पे चल जाती है जो आप दे दो। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि सर्वलेट वर्क कैसे करता है, इंटरनल उसकी वर्किंग क्या है। सर्वलेट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, तीनों तरीके हम लोगों ने सर्वलेट बनाना सीख लिया था, उसको कॉल करना भी सीख लिया, मैपिंग करना भी सीख लिया था। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम लोग देखेंगे web.xml क्या है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या है, और एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे वीडियोस छोटी रखी जाएं जिससे कि आप लोग बोर ना हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।